सबको नमस्ते। तो आज मन के ऊपर कबीर के दो दोहे ले रही हूं। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते ना चालिए मन पलक पलक में और। तुम मन के मते मत चालिए, हाँ मन के मते मत चालिए, मन जिया तिया ले जा, मन को ऐसा मारिए मन टुकड़ा टुकड़ा हुई जाए। तो कबीर कह रहे हैं कि मन जो है वो लोभी है, ग्रीडी। मन लालची है, बहुत लालच है, ऐसा लालच जो खत्म नहीं होता। एक चीज का लालच खत्म होता है तो दूसरे का शुरू हो जाता है। मन चंचल, रेस्टलेस, कभी इधर तो कभी उधर, उछलना ही उछलना है। दैट्स द नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड एट द मोमेंट। मन चोर, चोर का मतलब कि हमेशा दोगलापन चलता रहता है, चाहता कुछ और है, बोलता कुछ और है, उद्देश्य कुछ और होता है, औचित्य कुछ और होता है और बात कोई और करी जाती होती है। तो दोगलापन मन का। तो कभी ये सलाह दे रहे हैं साधक को, मन के मते ना चालिए। कबीर कह रहे हैं कि मन के हिसाब से प्लीज मत चलिए। और मन के हिसाब से जब हम चलते हैं, हम सबको ही अंदाजा है कि हमने कितनी ठोकरें खाई हैं मन के साथ साथ उसके बहाव में चल चल के। मन के मते मत चालिए, मन पलक पलक में और। तो कह रहे हैं कि अगर तुम मन के हिसाब से चलते रहोगे तो कभी इधर कभी उधर धक्के ही खाते रहोगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि शांति मिल जाएगी तुम्हें मन के मते पे चलने के लिए, चलने के बाद कि तुम सोचो कि मन ये कह रहा है ये पूरा कर लेते हैं तो शांति मिल जाएगी, तो तसल्ली मिल जाएगी। तो कबीर कह रहे हैं तसल्ली ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एक ललक खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी ललक खत्म होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी। मन इज ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड विद वॉट वी ऑल नो एज ईगो और वॉट मदर एंड श्री अरबिंदो हैव सेड एज डिजायर सोल, विच कीप्स ऑन डिजायरिंग वन आफ्टर द अदर। द डिजायर्स आर इनफिनाइट, कोई अंत नहीं है उन डिजायर्स का। तो कबीर भी ये सलाह दे रहे हैं कि मन के मते पे चलना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें ये पता लग रहा है धीरे धीरे जितनी जिंदगी तुमने जी ली है, ये पता लग रहा है कि मन के चलते चलते तो तुम्हें कभी शांति का अनुभव नहीं होने वाला। एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, मन एक के पीछे एक भागता ही रहता है। तो आगे कबीर कहते हैं, तो मन के मते ना चालिए, मन जिया तियाए ले जाए, कहीं भी ले जाता है, कभी इधर कभी उधर, एक ललक खत्म हुई तो दूसरी के पीछे, दूसरी खत्म हुई तो तीसरी के पीछे। मन को ऐसा मारिए मन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, कि मन का नामो निशान नहीं बचे। तो कबीर कह रहे हैं कि मन के पीछे भागने की बजाय मन के टुकड़े करो, मन को ऐसा मारो, ऐसी अपनी जो इच्छाएं हैं उनका ऐसा नाश करो कि टुकड़ा टुकड़ा हो जाए मन, उसका टुकड़ा आप फिर जोड़ ना सको। तो इन कंटेम्पररी लैंग्वेज हम बात कर सकते हैं कि हम सप्रेस करें क्या अपने आप को, बट ये वो सप्रेशन नहीं है कि अंदर से कुछ और बात चल रही है और बाहर कुछ और हो रहा है, ये वो सप्रेशन नहीं है। ये सप्रेशन है समझ का सप्रेशन, ये सप्रेशन है इंटेलिजेंट Knowing, control, ये suppression वो suppression है जिसकी गीता में कृष्ण बात कर गए हैं, इंद्रियों को वश में रखना। ये इंद्रियों को हम तब तक वश में नहीं रख पाते जब तक हमें लगता है इससे हमें कुछ मिलने वाला है, और तभी हमारे जीवन के जो सारे अनुभव हैं वो बहुत जरूरी होते हैं। 20, 30, 40 साल जब हम भटक लेते हैं मन के हिसाब से, तब हमें धीरे धीरे पता लगना शुरू होता है कि अब तो समर्पण ही एक जरिया है, अब मन की सुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मन की सुन के भी हमने बहुत देख ली। अब आप
से जब 40 साल के बाद, 30 साल के बाद, 20 साल के बाद जब भी समझ आ जाए, तब जब मन आपकी तरफ कोई फेंकता है एक उछाल के कि ये लालच वो लालच, तब आप कहते हैं यार बहुत नचा लिया तूने, अब नहीं नाचूंगा। ये है, ये सप्रेशन नहीं है, ये समझ है। तो कबीर हमें बात कर रहे हैं अपनी जो उच्च से उच्च, उत्तम से उत्तम जो हमारी समझ है हमारे अंदर ही विद्यमान, एक प्रकाश का स्रोत, उसकी कबीर बात कर रहे हैं कि वहां से काम कीजिए। क्योंकि तुम्हें पता लग चुका है कि अगर मन के चलते चलते रहे तो तुम्हें शांति का अनुभव नहीं होने वाला, शांति नहीं मिलने वाली, हमेशा रेस्टलेस ही रहोगे, चंचल ही रहोगे। तो अब अगर एक नया जीवन शुरू करना है तो मन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, मन को ऐसा मारिए मन टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, एंड देन वी गेट इन टच विथ समथिंग विच इज बियॉन्ड द माइंड, दैट इज अवर ट्रू एसेंस, डीप पीस, रेस्ट एंड अ नोइंग ऑफ वॉट टू डू विद अवर लाइव्स, क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग। सो कबीर हमें उस तल पे भेजने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्ते।